नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि एक व्यापारी ने आरएस 4000 का ऋण दो बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 10% वार्षिक ब्याज दिया। यदि एक वर्ष बाद कुल ब्याज 352 हो तो 8% की दर पर कितना ऋण लिया। अब कितने रुपए लिए, तो उसने 4000 रुपए लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दो थे अलग अलग, एक था 8 और एक था 10। ठीक है, एक साल बाद उसने कितने रुपए उसको ब्याज लगा, कुल ब्याज लगा 352 रुपए। तो उसने कहा कि 8% की दर पर कितना पैसा उसने लिया था वह हमें बताइए। तो ऐसे प्रश्नों में हमको जो ज्ञात करना होता है उसके विपरीत हम मानते हैं। हमने यह मान लिया कि पूरा पैसा 10% के रेट पर उधार लिया। तो 4000 का 10% निकालिए, 0000 कितना निकला, 400 रुपए ब्याज निकला, जबकि लगा कितना है 352। माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 48। अब यह 48 ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि हमने 8 को भी 10 के रेट से मान लिया, यानी अंतर कितने का है इसमें, इसमें 2 का अंतर है। तो आप 2 से भाग दे दीजिए और 100 का गुणा कर दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 × 4, 2 × 4 = 8, यानी आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2400 रुपये। यानी जो कि 8% के रेट से आपने पैसा लिया वह 2400 रुपये है, और जो 10% के रेट से लिया वह 1600 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 4000 में से 2400 आप माइनस कर दोगे तो 1600 रुपये वहाँ आ जाएगा। बस आपको यहाँ थोड़ा सा याद रखना है कि जो पूछा जाए उसका सामने वाला हम पूरा मानते हैं। ब्याज निकाला अंतर निकाल के, और जितने का इसमें अंतर हो अंतर को अंतर से भाग दिया, 100 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।